हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और इस बार मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ एट्रेट, विच इज अ स्मॉल टाउन लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ नॉर्मंडी इन द नॉर्थ ऑफ फ्रांस, और जो कि अपने व्हाइट क्लिप्स के लिए फेमस है। दिस प्लेस इज इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम पेरिस बाय बस, ट्रेन एंड कार। हमारी गाड़ी पार्क हुई है बीच से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे, विच इज गुड एक्चुअली, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन वॉक एंड टेक अ लुक ऑफ दिस मार्केट। यहाँ आपको देखने को मिलेंगी काफी सारी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे आप आराम से खाना खा सकते हैं और खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं। आप यहाँ के खाने में ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सी फूड, जैसे की क्लैम, मसल्स एक्सेट्रा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट अभी खाली हैं, क्योंकि हमारी टाइमिंग है और ना तो ये लंच टाइम है और ना ही इवनिंग टाइम, इसलिए ये रेस्टोरेंट्स अभी खाली हैं, लेकिन सनसेट होते होते ये रेस्टोरेंट भी फुल हो जाते हैं। This is the beach with lots of pebbles, so you have to be prepared for that. क्योंकि इस पर चलने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, इसीलिए be sure कि आपने शूज पहने हों। No slippers, no sandals. Do you know why these pebbles are here? Because these pebbles serve as a protection from erosion by the sea. So friends, it's not allowed to take a single pebble from here. क्योंकि ऐसा करके आप इस टाउन को डेंजर में डाल देंगे। And it looks very cute जब लोग ये नोटिस पढ़ते हैं और फिर अपनी पॉकेट से सारे पेबल्स निकाल के वापस बीच पे रख देते हैं। ये व्हाइट क्लिप्स और अटलांटिक ओशन का टर्क्वाइज ब्लू कलर दोनों एक साथ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एंड डू यू नो दीज व्हाइट क्लिप्स ऑन द सी चेंजेस एवरी ईयर ड्यू टू द इरोजन। आप यहाँ क्लिप्स के टॉप पे भी जा सकते हैं, वहाँ से सनसेट का नज़ारा ले सकते हैं और बहुत सारे स्टनिंग व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ नेचर लवर पर्सन, यू विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस। और इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन वेट, जाने से पहले हम बात कर लेते हैं फ्रांस के एक और छोटे से टाउन की जिसका नाम है रुओन। और ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही छोटी भी, दैट यू कैन कवर इट विद इन वन डे। सो लेट्स गो टू द रुओन थ्रू द पिक्चर्स। रुओन इज द कैपिटल ऑफ नॉर्मंडी रीजन ऑफ फ्रांस। द सिटी इज फेमस फॉर इट्स ग्रेट क्लॉक एंड इट्स कैथेड्रल। और ये कैथेड्रल एक जमाने में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। You can see the stunning architecture of the city through its cobbled walkways and streets. और architecture की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि Rouen Cathedral is one of the best example of Gothic architecture. Its facade is full of detailings और interior में आप देख सकते हैं vaulted ceiling और बहुत ही खूबसूरत सन 1210 से भी ज़्यादा पुरानी stained glass windows. Due to several wars in France, ये कैथेड्रल बहुत बार टूटा है और बहुत बार रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। In fact, आप अभी भी World War II के निशान इस कैथेड्रल के आउटर फसाद पे देख सकते हैं। The another touristic spot in this place is the Great Clock. ये एक astronomical clock है जो कि 14th century से भी ज़्यादा पुरानी है और इसके आसपास है खूबसूरत सी stone carvings. You can observe remarkable sculptures while passing under the arc. And yes, be sure to check out both sides because they are different. I'm here again. और इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।